कैसे जाने कि कौन सा शेयर ऊपर या नीचे जाएगा? किसी भी शेयर या स्टॉक का भाव प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे, इसका पता लगाने के लिए आप टेक्निकल एनालिसिस के अलग अलग मेथड्स जैसे कि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स, ट्रेडिंग टर्मिनल, मूविंग एवरेज, सपोर्ट रेजिस्टेंस और अलग अलग इंडिकेटर्स का उपयोग करके कोई शेयर बढ़ेगा या घटेगा इसका पता लगाया जा सकता है। एक साथ कितने शेयर खरीद सकते हैं? इसमें भी किसी निवेशक के लिए कोई लिमिट नहीं है, वो किसी भी कंपनी के कितनी भी कीमत के शेयर खरीद सकता है। हाँ, 50% शेयर वाला नियम यहाँ भी लागू होगा। इसके अलावा जब कोई निवेशक किसी कंपनी के 5% से ज्यादा शेयर खरीदता है तो उस पर सेबी के कुछ और नियम लागू होते हैं। टाटा का सबसे सस्ता शेयर कौन सा है? टाटा पावर लिमिटेड। टाटा का सबसे सस्ता शेयर में टाटा पावर का नाम अवश्य होगा। इसका एक शेयर आपको 200 रूपए से 240 रूपए की रेंज में मिल जाएगा। टाटा पावर लिमिटेड टाटा ग्रुप की ही एक इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है जो कि पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, पावर ट्रेडिंग बिजनेस में काम करती है। शेयर मार्केट में एक दिन में कितना कमा सकते हैं? दिन में 100 रूपए से 10,000 रूपए या यहाँ तक कि 20,000 रूपए भी कमा सकते हैं, लेकिन यह आपके जोखिम लेने पर निर्भर करता है। शेयर बाजार से करोड़पति कैसे बने? ज्यादा पैसों के साथ निवेश करें। अगर आप जल्दी करोड़पति बनना चाहते हो तो आपको करोड़पति बनने के लिए शेयर बाजार में काफी पैसा लगाना होगा। आपको कम से कम 6 अंकों का निवेश करना होगा, इसलिए यदि आपने पहले से नहीं किया है तो अभी से निवेश शुरू करें। सही कंपनियों की रिसर्च कर अलग अलग कंपनियों में लंबी अवधि के लिए निवेश करें। भविष्य के लिए कौन सा शेयर खरीदे? स्टॉक टाटा मोटर्स। भविष्य में बढ़ने वाले शेयर की सूची में सबसे पहले नाम आता है टाटा मोटर्स के शेयर का। अगर आप भविष्य में 2022 में बढ़ने वाले किसी अच्छे रिटर्न देने वाले शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो टाटा मोटर्स का शेयर आपके लिए मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है। शेयर मार्केट में सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है? 10 कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर कायम रही। उसके बाद क्रमशः TCS, HDFC बैंक, इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI बैंक, SBI, HDFC, बजाज फाइनेंस और भारतीय एयरटेल का स्थान रहा। शेयर बेचने पर कितना चार्ज लगता है? जब भी शेयर बाजार में शेयरों की खरीद बिक्री होती है, इस पर यह टैक्स देना पड़ता है। शेयरों की बिक्री पर सेलर को 0.025% टैक्स देना पड़ता है। ये टैक्स शेयरों के बिक्री मूल्य पर देना पड़ता है। डिलीवरी बेस्ड शेयरों या इक्विटी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स की बिक्री पर 0.001% की दर से टैक्स लगता है।